इसमें अब इस सवाल में हम लोग को दोनों ही फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और जो है एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जेड इज इक्वल्स टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवेन है 2,3, और इसको हम ए कॉमा बी की फॉर्म में लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा कोऑर्डिनेट बी है आपके पास। अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स की अगर बात करें, एडिटिव इनवर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसमें होता है जेड प्लस जेड इनवर्स, और आपके पास बराबर आना चाहिए आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो होती है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 0 के बराबर। तो अगर आपने जेड इनवर्स निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस जेड, और जेड इनवर्स जो आएगा आपके पास माइनस जेड के बराबर आ जाएगा। यानी कि जेड इनवर्स जो होगा वो आपके पास होगा 2,3, और जेड इनवर्स आपके पास आ जाएगा -2,-3। तो ये तो हो गया आपके पास एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेते हैं। तो जेड जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2,3 के बराबर है, जिसको हम ए कॉमा बी बोल रहे हैं। अब जेड इनवर्स का जो है एक लेंथी प्रोसेस है, हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। जेड इनवर्स का फॉर्मूला ये है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी अपॉन प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं, वरना हमें जाके जो है वो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ए जो है वो हमारे पास 2 है, और फिर ए जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और फिर माइनस बी यानी कि -3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस 9 और -3 तो जेड इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 11। गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी यही करना है, एडिटिव इनवर्स और जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास है जेड के बराबर, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ए बोल देते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट को बी बोल देते हैं, ए प्लस बी आयोटा। तो एडिटिव की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या होता है, जेड प्लस इनवर्स करेंगे जेड प्लस जेड इनवर्स तो वो बराबर आता है आइडेंटिटी के। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो जेड इनवर्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो जाएगा 0 माइनस जेड, और जेड इनवर्स जो है आपके पास आ जाएगा -z के बराबर। ये हो जाएगा आपके पास 4,-5, या कि आपके पास एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जेड किस इक्वल सपोज कर लेते हैं, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्टार्ट में फॉर्मूला ड्राइव किया था। फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट हम लोग ए जेड इनवर्स निकाल सकते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए जो है वो आपके पास -4 है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
और -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर माइनस बी फिर ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 4 4 16 प्लस 25 आपके पास फाइनल आंसर बन गया -4 अपॉन 41 -5 अपॉन 41। तो ये आपके पास इनवर्स बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।